धारदार हथियार से इस घटना को दिया गया अंजाम। ये बड़ा मामला, हत्याकांड का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर पिता के द्वारा ही घटना को दिया गया अंजाम। पिता के द्वारा पूरे परिवार को तारा किया मौत के घाट। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही जांच में जुटी हुई है पुलिस। उत्तराखंड के डोईवाला में ये नरसंहार का मामला सामने आया है। रानी पोखरी के शांतिनगर का यह मामला सामने आया है, जहां पर एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां पर पिता के द्वारा ही हत्याकांड का ही घटना को दिया गया अंजाम, जहां पर मां पत्नी और बच्चों को उतारा मौत के घाट, जिसके बाद पुलिस के द्वारा की गई गिरफ्तारी। बेरहमी की सारी हदों को पार करते हुए एक हत्याकांड का मामला सामने आ रहा है, जहां पर उत्तराखंड के डोईवाला का ये मामला सामने आया है, जहां पर पिता के द्वारा पूरे परिवार की हत्या को दिया गया अंजाम। पुलिस के द्वारा पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के डोईवाला से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी घटना को दिया गया अंजाम। पांच लोगों की हत्या से शहर में मचा हड़कंप। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता राजकुमार अग्रवाल। राजकुमार, जो मामला सामने आ रहा है, ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर पिता के द्वारा ही पूरे परिवार की हत्या का मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज सुबह की घटना है ये, और डोईवाला विधानसभा का जो रानी पोखरी थाना है, उसके रानी पोखरी की जो थाना है उसके अंतर्गत शांति नगर एक बस्ती है, वहां पर ये घटना घट आपको बता दें कि ये घटना को दिया गया अंजाम, जहां पर पिता के द्वारा पूरे परिवार की गई हत्या, जिसके बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की जा चुकी है पिता की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के डोईवाला से रानी पोखरी के शांतिनगर का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस पर हमारे साथ और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता राजकुमार अग्रवाल। राजकुमार जी, ये जो मामला सामने आया है, जहां पर एक पिता के द्वारा ही इस बड़ी हत्याकांड के मामले को, घटना को अंजाम दिया गया, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? ये आज सुबह की घटना है, ये रानी पोखरी थाने के अंतर्गत एक शांतिनगर बस्ती है, वहां पे ये घटना घटी है, और जो आरोपी है महेश, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो ये दुखद घटना है, आज सुबह घटी है ये घटना। जो ये महेश है, इसने पहले अपनी माताजी का कत्ल किया, फिर उसके बाद अपनी पत्नी को मारा, और उसके बाद तीनों बच्चों की हत्या कर दी। तो ये पांच लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई रानी पोखरी क्षेत्र में। और जो ये शांति नगर का इलाका है, मैं बता दूं आपको कि यहाँ मजदूर तबके का लोग रहते हैं, मजदूर टाइप के लोग रहते हैं, जो बिहार के और उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये जो आरोपी है उत्तर प्रदेश के अररिया का है, जो कि बांदा जिले में आता है। तो पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे इतने बड़े हत्याकांड को इसने अंजाम दे दिया, और क्योंकि फॉरेंसिक जांच टीम यहाँ पहुंच रही। आपको बता दें कि धन्यवाद राजकुमार एम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के डोईवाला में एक नरसंहार का मामला सामने आया है, जहां पर पांच लोगों की हत्या को दिया गया अंजाम। इस घटना को लेकर पूरे डोईवाला में मचा हड़कंप। युवक ने अपने ही पूरे परिवार की ली जान, जिसके बाद अब पुलिस के द्वारा युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रानी पोखरी के शांति नगर का ये मामला सामने आया है। अगली बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी से 27 गिरफ्तार यूके SSSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ हल्द्वानी निवासी शशिकांत को गिरफ्तार किया गया है। यूके SSSC मामले पर बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर इस मामले पर एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूके SSSC पेपर लीक मामले पर एक और आरोपी गिरफ्तार, एसटीएफ हल्द्वानी निवासी शशिकांत को किया गया है गिरफ्तार। हल्द्वानी से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार चल रही यूके SSSC पेपर लीक मामले पर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल लगी है, जब पुलिस के द्वारा एक और
आरोपी को इसके चलते एसटीएफ हल्द्वानी निवासी शशिकांत को किया गया है गिरफ्तार। आपको बता दें कि लगातार पेपर लीक मामले पर UK SSSC पेपर लीक मामले पर अब पुलिस के द्वारा एक और बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ हल्द्वानी निवासी शशिकांत को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। UK SSSC मामले से जुड़े होने की बात आ रही सामने। अब तक बड़ी खबर हल्द्वानी से पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस के हल को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर UK SSSC मामले को लेकर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस के द्वारा एक और अभियुक्ति को किया गया गिरफ्तार। हल्द्वानी से 27वीं गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि लगातार UK SSSC मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है, और जहां अब पुलिस के द्वारा ये 27वीं गिरफ्तारी है जो की गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, और अगली बड़ी खबर नैनीताल से है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय नैनीताल दौरे पर देर शाम नैनीताल के बैंड स्टैंड में सुबह संपन्न हुई मानसून मैराथन के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया। पाता संपन्न हुई 21 किलोमीटर मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान पर रहे नागा रेजिमेंट के 24 वर्ष के गुड़गांव निवासी जवान संजय तनवर को सम्मानित किया गया। संजय ने 1 घंटे 22 मिनट 34 सेकंड में यह दौड़ जीती है। विश्व पर्यटन में नैनीताल को नई पहचान दिलाने के मकसद में बाजारों और पर्यटक स्थलों को कुमाऊनी शैली में तैयार बाजार का निरीक्षण किया गया। नैनीताल शहर हमारा जो कि सरोवर नगरी है, और पूरे देश विदेश के पर्यटक सैलानी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए इसको नए स्वरूप में जो कि यहाँ की हमारी पारंपरिक एक शैली है, पारंपरिक जो हमारी विधि है, उस विधि में इसको डेवलप किया जा रहा है, जो आने वाले समय में केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में बनेगी कि अपने अपने यहाँ पर लोग, सभी लोग इस प्रकार के प्रयोग करेंगे, और इससे हमारे जहाँ सैलानी पर्यटक आकर्षित होंगे, वहीं हम सब के साथ साथ पूरे देश दुनिया के स्मरण में भी हमारी ये सरोवर नगरी रहेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर रुड़की से है, जहां रामनगर में आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास शर्मा के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश संगठन सचिव नरेश प्रिंस व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ने शिरकत की। वही कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विकास शर्मा का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने फूलमालाएं पहनाकर व ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विकास शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर जिले में पार्टी को मजबूत करने का दावा किया है। पहले तो मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बिष्ट जी, ज्योत सिंह बिष्ट जी, और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्या नाम प्रेम सिंह जी, और वरिष्ठ हमारे नेता आपके संगठन के जो प्रदेश के सचिव हैं प्रिंस भाई, हमारे शहर अध्यक्ष दुष्यंत जी, इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
इनका आभार व्यक्त करता हूँ और पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, जो भरोसा मेरे पर जताया है, मैं उसे पूर्ण रूप से उस जिम्मेदारी को, जो भार मेरे कंधों पर गिरा है, जिला अध्यक्ष का पद एक बड़ी जिम्मेदारी का और बहुत महत्वपूर्ण पद है और ये एक जिम्मेदारियों का कांटों भरा ताज है, मैं इसे सहज स्वीकार करता हूँ और जनता के बीच में रह के जनता का सेवक बन के और उनके हर सुख दुख में काम करने का भरसक प्रयास करूँगा। आज हमारे यहाँ जो है ये सम्मान समारोह किया गया है, आम आदमी पार्टी के हमारे हाई कमान ने माननीय अरविंद केजरीवाल और हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोनिया जी के आह्वान पर हमारे प्रदेश के समन्वयक जो सिंह बीज जी ने आम आदमी पार्टी का, जो कि रुड़की संगठनात्मक जिला है, उसका जिला अध्यक्ष हमारे विकास शर्मा जी को घोषित किया है और इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर हरिद्वार से है, जहां अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्य समिति का दो दिवसीय आयोजन भूपतवाला स्थित निष्काम सेवा ट्रस्ट में शुरू हुआ। वही कार्यक्रम में उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित कई अग्रवाल समाज के दिग्गज गणमान्य लोग पहुंचे। अग्रवाल सम्मेलन में समाज के लोगों को होने वाली समस्या और समाज को संगठित करने पर चर्चा की जाएगी। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अग्रवाल समाज ने समाज से जुड़े सभी कामों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। वही नरेश बंसल ने कहा कि माँ गंगा के तट पर जब तक जब जब मंथन हुआ है उसमें अमृत ही निकला है। सम्मेलन जिसका आज यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यक्रम है, अब पूरे देश भर के हमारे अग्रबंधु यहाँ पे आए हैं और निश्चित रूप से जो हमारा अग्रबंधु है पूरे देश के अंदर नहीं अब तो विश्व के अंदर कह सकते हैं कि कैसे समाज का उत्थान हो, कैसे समाज के अन्य लोगों को हम लोग मुख्य धारा में जोड़ें, अब चाहे वो धर्मशाला की बात हो, गौशाला की बात हो, धार्मिक संस्थाएँ बनाने की बात हो, हमारा ये समाज करता है। अभी कोरोना का कार्यकाल गया, जिस प्रकार से समाज ने पूरे समाज को एक उनके लिए भोजन से लेकर अन्य व्यवस्थाएं करने का काम किया हो, और राष्ट्रीय अग्रवाल महासम्मेलन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी माँ गंगा के तट पर हो रही है और माँ गंगा के तट पर जब जब भी कोई मंथन हुआ है तो उसमें से हमेशा अमृत निकला है और उसने देश और समाज का कल्याण किया है। यहाँ भी दो दिन में जो अग्रवाल सम्मेलन की कार्यकारिणी मंथन करेगी और आगे के जो लक्ष्य तय करेगी वो देश और समाज के लिए कल्याणकारी होंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में कई राज्यों में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में कोऑपरेटिव समूह द्वारा किए जा रहे कार्य को प्रधानमंत्री ने मन की बात में काफी सराहा है। मन की बात कार्यक्रम सुनने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। इसको लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अर्पण किया और कहा कि जिस तरह से यह समूह कार्य कर रहा है यह उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। वही उत्तराखंड में भर्ती घोटालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर धन सिंह रावत ने कहा कि घोटालों में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने दो विशेष बड़ी बातें कही हैं। एक तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में जो तिरंगे के कार्यक्रम है, तिरंगा यात्रा हुई, उसका उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया। दूसरा जो हर जिले में 75 अमृत महोत्सव जो है अमृत महोत्सव के रूप में अमृत सरोवर बनाए गए हैं, उनका भी प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेशों का जिक्र किया है। और उत्तराखंड का जो हम पिथौरागढ़ ज़िले में कोऑपरेटिव समूह के द्वारा जो बेडू का जो है अचार बना रहे हैं, जेली बना रहे हैं, उसका विशेषकर उन्होंने आज जिक्र किया है।
लेकिन पहले तो मैं हमारे जो देश के नहीं अभी तो विश्व स्तरीय जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको धन्यवाद करूंगा कि वो जिस तरह का ये मन की बात का कार्यक्रम करते हैं और हर वर्ग के लोगों में एक उत्साह का संचार करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा। और आज का जो कार्यक्रम था ये मन की बात का, क्योंकि इस कार्यक्रम के हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय धनसिंह रावत जी थे, वो हमारे यहाँ उपस्थित रहे। खबर रुड़की से है, जहां एक होटल में पेट्रोल पंप व्यवसायी ने पत्रकार वार्ता कर सिविल लाइन कोतवाली में तैनात एसएसआई पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। साथ ही पद का दुरुपयोग करते हुए झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का भी आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि भविष्य में गंभीर मुकदमे दर्ज करवाने की चेतावनी भी एसएसआई द्वारा दी गई है। इधर एसएसआई की पत्नी ने भी सभी आरोपों को निराधार बताया है। आपको बता दें कि रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पेट्रोल पंप कारोबारी आनंद सेठ ने कहा है ये बात कही है। केदार सिंह चौहान जब से यहाँ पे जून 2022 से जैसे ही आए हैं, तब से ही उन्होंने एक कारोबारी परिवार को पूरा बर्बाद करने की मंशा रखते हुए ये मुकदमा, फर्जी मुकदमा पंजीकृत करवाया है। उन्होंने क्यों करवाया है? क्योंकि वो उनके द्वारा लगाई गई धनराशि को हड़प करना चाहते हैं। जब से 25% का शेयर के बाबत इन्होंने रिकॉन के लिए अप्लाई किया है, तभी से इनके मन में पूरी इस साजिश को रचने के लिए मंशा इनकी उत्पन्न हो गई थी। दरोगा जी से दरोगा जी ने कहा था कि नहीं, कहते जी अभी तो कोई मुकदमा, मैं इनके खिलाफ इन्हें जेल भिजवा के मानूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इनके खिलाफ SC ST के मुकदमे दर्ज करा। पेट्रोल पंप का प्रमुख चल रहा है, केदार सिंह चौहान जो ऐसे सही हैं कोतवाली सिविल लाइन में, उनकी दीदी के नाम एक पंप निकला था, वो हमने लगाया था और उसी के विषय में ये की गई है, क्योंकि अब ये पूरा पंप कब्जाना चाहते हैं और पंप पे कब्जा कर चुके हैं, पूरा करवा दिए कई सेक्शनों में और अभी कह रहे हैं कि और भी मुकदमे दर्ज होंगे आपके ऊपर। आप अभी कहाँ, इन्होंने एक पैसा लगा रखा, इनका कोई पैसा पंप पे नहीं लगा हुआ है, ये पनिशमेंट डीड में लिखा हुआ है, सिर्फ 10 पैसे के लाभ के पार्टनर हैं ये। बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर लक्सर से है, जहां पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा लक्सर में उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवकताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नौकरी ढूंढने के बजाय अपने व दूसरों के लिए रोजगार का सृजन करें। कार्यक्रम में लघु व कुटीर उद्योग चलाने वालों को सम्मानित किया गया। मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश कुमार ने स्वावलंबी भारत अभियान की उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम की दीप जलाकर शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश का युवा वर्ग अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद खुद के लिए नौकरी तलाशने में लंबा समय खर्च कर रहे हैं, उन्हें स्वावलंबी भारत योजना या ऐसी ही दूसरी योजनाओं से जुड़कर रोजगार सृजन करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सतपाल राणा ने की। कार्यक्रम में अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बनने वाले मोहित कुमार, आशा दिग्विजय सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कि जो बच्चे वहाँ से अपनी डिग्री लेते हैं तो वो डिग्री नौकरी परक ना हो कि खाली उससे नौकरी करे जाके, जब अपने जीवन पे जाए बच्चा तो वो वहाँ जाके उस अपने हमारी जो डिग्री है वो उसका जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उस ज्ञान से अपना रोजगार खड़ा करे देश के अपने समाज के अंदर, और रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला। यहाँ लक्सर में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन आयोजित हुआ है, इसमें हम ऐसे उद्यमियों को भी सम्मानित करने वाले हैं जिन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा वर्ग बैठा है, उनके बीच में ये विषय देने का प्रयास किया है कि आप लोग नौकरियों के पीछे भागना छोड़िए, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिलने वाली, अपना जो कीमती समय है वो उद्यमिता के क्षेत्र में उतारिए। तो इस पर्पस से, इस उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर गुरुकुल विश्वविद्यालय के दयानंद स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आई टीमों में बालिका और पुरुष वर्ग में देहरादून की टीमों ने जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर हरिद्वार और अल्मोड़ा की टीम रही।
कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जीतने वाली टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगी। समापन अवसर पर मंत्री धन सिंह रावत ने जीती हुई टीमों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमान योजना के तहत प्रदेश के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जा रहा है और आने वाले समय में यहाँ के खिलाड़ी पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। पूरे प्रदेश से लगभग 285 बच्चों ने गर्ल्स और बॉयज में यहाँ पार्टिसिपेट करा और काफ़ी रोचक यहाँ मुकाबले खेले गए। पहले 26 तारीख से हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी, उसमें हमारे सुबोध उनियाल जी जो कृषि मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। अजय जी भाई साहब हैं, उनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। और बहुत जो टूर्नामेंट है काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हुआ। आज जैसे हमारा टूर्नामेंट था, टूर्नामेंट में आज बालिका वर्ग और बालक वर्ग में दोनों ने देहरादून ने अपनी जीत दर्ज करी और बड़ा अच्छा खेल का प्रदर्शन करा। देखिए आज प्रदेश स्तरीय जो बास्केटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की गई थी, उसमें देहरादून की टीम विजयी रही है, हरिद्वार की टीम उप विजेता रही है। मैं अपनी ओर से भी और शिक्षा मंत्रालय की ओर से दोनों टीमों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बहुत अच्छी भावना से खेल हुआ है। हरिद्वार के जितने भी आयोजक लोग हैं उन सबको अपनी ओर से बधाई दे। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।